नमस्कार, बीसीएन न्यूज के प्रदेश की खबरों में मैं भाग्यश्री आपका स्वागत करती हूँ। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के जनपद महोबा में अजनर थाना क्षेत्र के अंतर्गत खैरारी तिगैला के पास दिल्ली से आ रही यात्रियों से भरी बस खाई में पलट गई, जिसमें एक दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। मामला जनपद महोबा के अजगर थाना क्षेत्र का है, जहां पर दिल्ली से छतरपुर जा रही यात्रियों से भरी एक प्राइवेट बस खैरारी तिगैला के पास असंतुलित होकर पलट गई, जिसमें एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। बस में लगभग 60 से ज्यादा यात्री सवार थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। बीसीएन न्यूज के लिए महोबा से नितिन नामदेव की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में कोरोना काल में आगामी त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए एसपी सिटी द्वारा जमीयत उलमा ए हिंद के सभी मौलानाओं के साथ एसपी सिटी ऑफिस में बैठक की गई, जिसमें एसपी सिटी सीओ सिटी और नगर मजिस्ट्रेट भी मौजूद रहे। उलेमा और अधिकारियों द्वारा दी गई गाइडलाइन, सभी मस्जिदों में 5 नमाजी करेंगे, नमाज को अता और ईद पर हाथ और गले न मिलने की अपील करते हुए सभी अधिकारी और मौलानाओं द्वारा सभी शहर वासियों से इस कोरोना के चलते गाइडलाइन का पालन करते हुए त्योहार मनाने की अपील की। चांद की डिपेंड करता है, या तो कल या परसों में ईद हो जाएगी, और जो शासन की गाइडलाइन है कोविड के तहत, क्योंकि इस जो द्वितीय लहर है संक्रमण की बहुत तेज़ी से फैल रही है, और शासन की गाइडलाइन यही है कि 5 व्यक्तियों से अधिक किसी भी स्थल पर, चाहे वो सार्वजनिक स्थल हो चाहे धार्मिक स्थल हो, 5 से अधिक लोग इकट्ठे ना हो। उसी के तहत जो यहाँ के जो शहर के जो मौलवी साहब थे और जो इंतजाम कमेटी के लोग थे, उनको बुलाया गया था। आगामी ईद के पर्व के उपलक्ष्य में शासन की गाइडलाइन से अवगत कराने हेतु और त्योहारों को कोविड के समस्त प्रावधानों का पालन करते हुए मनाने हेतु एक कुछ लोगों को आज बुला के यहाँ और एक वार्ता हुई, और उसमें जैसे पिछले सभी पर्व कोविड की गाइडलाइनों के अंतर्गत ही मनाए गए, इसमें भी आश्वासन दिया गया कि पूरी तरह उसी प्रकार से मनाया जाएगा। किसी भी धार्मिक स्थल पर 5 व्यक्ति से अधिक कोई भी पूजा अर्चना या नमाज इत्यादि नहीं की जाएगी, और हम इसका अक्षरशः अनुपालन भी कराएंगे। और इसमें सभी ने, जो यहाँ हमने कुछ चुनिंदा बुद्धिजीवी वर्ग से लोगों को बुलाया था, उन्होंने आश्वासन भी दिया कि पूरा सहयोग करेंगे। आज प्रशासन ने ईद के संबंध में यहाँ शहर के उलमाओं को सबको बुलाया था, उनको ये बताया कि ये सरकारी गाइडलाइन के तहत और लॉकडाउन लगा हुआ है, कर्फ्यू चल रहा है, तो सरकारी गाइडलाइन के तहत ईद की नमाज मस्जिदों में जो इजाज़त है वो 5 लोगों की है। आप हम लोगों का सहयोग करिए और आवाम से ये अपील करिए कि सरकारी गाइडलाइन के तहत ही ये त्यौहार मनाएं। हमारे उलमाओं ने जो जन समस्याएं हैं उनके लिए बताया, जैसे मूलभूत समस्या बिजली, पानी, सफाई, चूना पट्टी, ये मस्जिदों के आसपास जहां जल भराव उसको निकाला जाए, और जो सरकारी गाइडलाइन के तहत ही हम ईद का त्यौहार मनाएंगे, क्योंकि पिछली साल भी अलविदा की नमाज और ईद की नमाज घरों में हुई थी, क्योंकि इस बार भी ये बीमारी ने बहुत महामारी मचा रखी है। उलमाओं ने कहा, आश्वासन भी दिया और उलमाओं ने अपील भी करी है कि 5 लोगों की नमाज होगी और घरों में नमाज अदा की जाएगी। मैं भी आवाम से ये अपील करूँगा कि इस बीमारी ने हालात बहुत ख़राब कर रखे हैं, आप सब लोग घरों में नमाज़ पढ़ें, सड़कों पर ना निकलें, भीड़ ना लगाएँ, और दूर से ही एक दूसरे को मुबारकबाद दें। बीसीएन न्यूज के लिए फिरोजाबाद से साहिल खान के साथ रिहान अली की रिपोर्ट। गोवर्धन राजस्थान के टेक क्षेत्र में दबिश देकर लौट रहे गोवर्धन थाने के दरोगा की कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में जा गिरी। घटना में दरोगा के शरीर में गंभीर चोटें आई है। राहगीरों की सूचना पर गोवर्धन थाना पुलिस ने घायल दरोगा को उपचार के लिए मथुरा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। दरोगा की हालत चिंताजनक बताए जा रहे हैं। गोवर्धन थाने में तैनात दरोगा सोनू भाटी बुधवार को निजी कार से राजस्थान के टिक देहात में दबिश देकर वापस गोवर्धन थाने लौट रहा था। वहीं रास्ते में महज के समीप कार के सामने श्वान आ गया। कार श्वान को बचाते समय अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी, जिस घटना में कार में सवार दरोगा सोनू भाटी गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों की मदद से दरोगा को कार से बाहर निकाला गया। घटना की सूचना गोवर्धन थाना पुलिस को दी गई। प्रभारी थाना अध्यक्ष रविंद्र बाबू घटना स्थल पर पहुंचे
और घायल दरोगा सोनू भाटी को मथुरा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। प्रभारी थानाध्यक्ष रविंद्र बाबू ने बताया कि सोनू भाटी दबिश देकर वापस लौट रहे थे कि रास्ते में कार अनियंत्रित होकर पलट गई। उन्हें गंभीर चोटें लगी है, उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीसीएन न्यूज के लिए मथुरा से अजय ठाकुर की रिपोर्ट। बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। 11 मार्च को थाना धर्मपुर क्षेत्र अंतर्गत रुंज नदी के काली बराहा घाट के पास कुछ शव तैरते हुए पाए जाने की सूचना पर पुलिस अधीक्षक पन्ना श्रीधर्मराज मीना द्वारा तत्काल सूचना दी गई। तस्दीक हेतु अनुविभागीय अधिकारी पुलिस बलराम सिंह परिहार व थाना प्रभारी धर्मपुर सुधीर कुमार बैकी को मौके पर रवाना किया गया था। थाना प्रभारी धर्मपुर में पुलिस बल स्थानीय ग्रामीणों एवं गवाहान के साथ मौके पर पहुंचकर उक्त शवों की तलाश कराई गई थी, जिसमें रात्रि में ही एक शव मिला जिसकी पहचान शिवराम पिता टीडिया अहिरवार बाबूपुर थाना नरेनी जिला हाल निवासी ग्राम बिहार सरपिया थाना अजयगढ़ जिला पना के रूप में हुई है। बिहार सरपिया सरपंच मृतक के परिजन व ग्रामीणों द्वारा बताया गया है कि मृतक शिवराम कुष्ठ रोग से पीड़ित था, जिसका देहांत 7 मई को हो गया था। कल दिनांक की देर रात्रि एक तलाश कराने के उपरांत अन्य और कोई शव नहीं मिला था, किंतु आज दिनांक 12 मई को पुलिस द्वारा गवाहान के समक्ष तलाश उपरांत एक और शव मिला जिसकी पहचान कल्लू पिता बोधन अहिरवार ग्राम बिहार सरपिया थाना अजयगढ़ जिला पना के रूप में हुई। बिहार सरपिया सरपंच मृतक के परिजन व ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि मृतक कल्लू अहिरवार कैंसर रोग से पीड़ित था, जिसका देहांत 5 मई को हो गया था। अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अजयगढ़ बलराम सिंह परिहार तहसीलदार अजयगढ़ के द्वारा उक्त शव को विधिवत तरीके से पंचनामा कार्यवाही की जाकर स्थानीय नागरिकों व परिजनों की मौजूदगी में वीडियोग्राफी कराने उपरांत विधिवत मौके पर शव को दफनाया जाकर सम्मान सहित अंतिम संस्कार किया गया। आज दिनांक को पुलिस अधीक्षक पन्ना धर्मराज मीना व कलेक्टर पन्ना संजय मिश्रा ग्राम नंदनपुर के रुंज नदी के काली बराहा घाट पहुंचकर मृतक के परिजन ग्राम बिहार सरपिया सरपंच लक्ष्मी अहिरवार सचिव व गांव के लोगों के द्वारा पुलिस अधीक्षक पन्ना एवं कलेक्टर पन्ना के समक्ष बताया गया कि उक्त दोनों मृतक बुद्ध थे। मृतक शिवराम कुष्ठ रोग से पीड़ित व मृतक कल्लू अहिरवार कैंसर रोग से पीड़ित था। उपरोक्त दोनों मृतक की मृत्यु कोरोना से नहीं हुई थी। गांव के लोगों द्वारा बताया गया कि स्थानीय परंपरा एवं मान्यताओं के अनुसार ऐसी बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियों का दाह संस्कार नहीं किया जाता है, बल्कि पास से ही बहने वाली रुंज नदी में विधिवत जल प्रवाह कर अंतिम संस्कार किया जाता है। पुलिस अधीक्षक पन्ना व कलेक्टर पन्ना द्वारा ग्राम बियर सरपिया के लोगों व आसपास के गांव में मुनादी करवाई गई कि शव को जल स्रोत नदी तालाब में प्रवाह नहीं करे, इससे प्रदूषण फैलता है व पानी दूषित होता है। गांव के लोगों से चर्चा की जाकर उन्हें जागरूक किया गया। खबर की प्रामाणिकता पर ध्यान दे, अफवाह पर ध्यान ना दे। उक्त दो शव के अलावा अन्य कोई शव नदी में नहीं मिले हैं और यदि किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसी अफवाह फैलाई जाती है तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को देंगे। ऐसी अफवाह फैलाने वाले व्यक्ति के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। कल दिनांक 11 मई 2021 को ऐसी सूचना मिली कि रुंज नदी जो कि अजयगढ़ सब डिवीजन के थाना धर्मपुर के नंदनपुर गांव के पास से होकर गुजरती है, वहाँ पे कुछ लाशें पड़ी हुई है और इसके संबंध में कुछ मीडिया बंदों ने भी प्रसारित किए। घटना की सत्यता का पता लगाने के लिए थाना प्रभारी धर्मपुर सुधीर बैगी, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस बलराम सिंह परिहार, तहसीलदार अजयगढ़, स्थानीय ग्राम पंचायत के जो सचिव हैं, ग्राम के सरपंच और स्थानीय नागरिकों की मौजूदगी में उस पूरी नदी में करीब 1.5 से 2 किलोमीटर क्षेत्र में तलाश करवाई गई। तलाश करवाने पे एक व्यक्ति जिसका नाम शिवराम पिता टीडिया अहिरवार करीब 90 वर्ष की उम्र का निवासी बिहार सरवरिया अजयगढ़, जिसकी मृत्यु दिनांक 7 मई 2021 को। बीसीएन न्यूज के लिए पन्ना से कैलाश पांडे की रिपोर्ट। बीसीएन न्यूज के प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों से हम आपको यूं ही रूबरू करवाते रहेंगे। देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।